हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने देखा। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वनली दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने देखा था, और उससे रिलेटेड कुछ उसमें कुछ केसेस हमने देखे थे जिसमें हमने ये देखा था कि दो वेक्टर्स का यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। जब से आपसे पूछा जाए दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और आपसे पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो सिंपली क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करके हम क्या दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, उसी से क्या मिलेगा अपने को, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि एंटी पैरेलल होगा तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपसे कोई पूछे कि मिनिमम किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दो वेक्टर्स क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन यदि अपोजिट होगा तभी क्या होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। और मैंने ये बताया था कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही क्या करता है, लाई करता है। आर स्टैंड फॉर रिजल्टेंट। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर मैक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, आर मीन। क्या था, आर मीन से क्या था, बड़ा, और आर मैक्स से क्या है, छोटा है। तो इससे रिलेटेड हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि यदि रिजल्टेंट क्या हो जाए, किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा तो उस सिचुएशन में एंगल दो वेक्टर के बीच क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा भी हमने देखा था। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिखा है एचसी वर्मा में भी, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव वन तो उसमें ये दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर दिया हुआ है ए एंड बी, उनका रिजल्टेंट आर है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा एंड क्या है, बीटा। यहाँ लिखा हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स मेड बाई रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी विथ वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट लिख लेना आप क्या होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ आप क्या लिखना, स्टेटमेंट लिख लेना है ना, स्टेटमेंट्स इज और आर क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फोर ऑप्शन दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। फिर यहाँ दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इफ अल्फा इज ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा। उसके बाद सी में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ अल्फा इज ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा। एंड डी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इसमें से आपको क्या करना है, कौन सा क्या है स्टेटमेंट्स करेक्ट है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। और आप बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना, आप पढ़े होंगे कि कोई भी क्या है, कोई भी यदि किस इन एनी ट्रायंगल है ना, क्या होगा किस इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल विल बी ऑलवेज क्या होगा, लार्जर। तो किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जर एंगल होता है उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है उसका लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। आप मैथ्स में पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, 8th क्लास में भी इवन पढ़े होंगे। तो बस आप उसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या करना, इसको सोचना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव ऑफ वैक्टर। निगेटिव ऑफ वैक्टर से क्या होता है, कोई वैक्टर दिया हुआ है, क्या है, कोई वैक्टर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन को हम जब रिवर्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ गिवन वैक्टर। जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम ऐसे लिख दें, ये क्या है,
ये वेक्टर ए हुआ और ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ माइनस। तो यदि मैं इसको लिखूं, यदि इसको लिख दूं क्या होगा, कोई नाम दे दूं, ये क्या है पी वेक्टर मान ली, तो पी वेक्टर इज नथिंग बट द क्या होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव ऑफ क्या होगा, निगेटिव निगेटिव ऑफ गिवन क्या होगा, गिवन वेक्टर मींस क्या होगा, मींस पहला क्या हो जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा वेक्टर विल गेट रिवर्स, आई मीन डायरेक्शन क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए है, इसका क्या करो माइनस वेक्टर ए लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को क्या करना है केवल रिवर्स कर देना है। उसके बाद बी में देखेंगे कि क्या होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्या होगा एनी वेक्टर एंड इट्स निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर विल क्या होगा विल रिमेन सेम, क्या होगा विल क्या होगा रिमेन सेम, आई मीन क्या होगा दो वेक्टर, आई मीन कोई वेक्टर है उसके डायरेक्शन को आप केवल क्या करोगे, आई मीन उसका निगेटिव वेक्टर लिखोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम रहेगा, सॉरी चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा निगेटिव वेक्टर का और जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम रहेगा। जैसे कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वेक्टर पी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा माइनस वेक्टर ए, आई मीन क्या हो जाएगा वेक्टर ए, और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लिखोगे इसका भी तो क्या हो जाएगा ए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर एंड इट्स निगेटिव वेक्टर विल रिमेन क्या होगा सेम, क्या होगा। तो जब आप क्या करोगे किसी वेक्टर को आप क्या करोगे निगेटिव वेक्टर लिखोगे तो केवल उसका क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। देखो अगला पॉइंट क्या है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा टू ठीक है। अब देखो क्या है यहां मैं लिख रहा हूं, देखो यहां क्या लिख रहा हूं आर डैश क्या लिख रहा हूं, आर डैश क्या है कोई वेक्टर है, इसको हमने क्या लिखा वेक्टर ए माइनस क्या लिखा आई मीन क्या है आर क्या है आर डैश आई मीन आर डैश क्या है वेक्टर, वैसा वेक्टर जब हम क्या करेंगे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे आर डैस वेक्टर हमने कंसीडर। इसको आप ध्यान से देखना, इसको हम क्या करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस क्या लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड क्या लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे वेक्टर बी, यही होगा ना। और ये क्या हुआ दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ वेक्टर ए, और ये क्या हुआ निगेटिव ऑफ क्या हुआ निगेटिव, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हुआ वेक्टर, यही हुआ ना। अब हम क्या करें कि पहले ए प्लस, देखो ध्यान से हम क्या करेंगे दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया है उसी का हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब आप ध्यान से देखना कि यदि मैं वेक्टर एडिशन यहां दिखाऊं तो यही क्या होगा वेक्टर क्या हो गया वेक्टर ए हो गया, और ये क्या हो गया वेक्टर क्या हो जाएगा देखो ये क्या होगा वेक्टर, यदि हमने इसको मान लिया बी तो ए वाला, इसको हमने क्या मान लिया वेक्टर, और यही हमने क्या ये क्या होगा देखो तो यही क्या होगा वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर बी, ये हम जानते हैं।
और दिस इज नथिंग बट द क्या है एंगल बिटवीन, क्या है एंगल, क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, क्या है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए। अब निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ कि यदि बी का डायरेक्शन इधर है तो इधर हम क्या कर सकते हैं, यही क्या होगा, देखो यही क्या होगा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। देखो ये जितना लेंथ का होगा उतना ही होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जब वेक्टर को क्या करोगे निगेटिव लिखोगे किसी वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, अब देखो ये क्या होगा ए माइनस बी, और यही क्या होगा आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यही क्या होगा दिस विल बी नथिंग बट द आर डैश, क्या होगा आर डैश वेक्टर, आई मीन ये क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड निगेटिव ऑफ क्या होगा वेक्टर बी। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये समझ में, आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो कुछ नहीं करना है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ देखो अब एंगल बिटवीन क्या है, अब देखो यहाँ एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा वेक्टर ए एंड माइनस क्या होगा वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, यही होगा ना 180। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये तो जस्ट हमने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या होगा टू वेक्टर्स। अब ये डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो आर डैश आई मीन आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे हैं वेक्टर ए माइनस प्लस हमने क्या लिखा है माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ क्या था देखो, तो यदि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच एंगल मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ यहाँ हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज करोगे देखो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अगेन बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ यहाँ क्या लिखो कॉस ऑफ 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, क्यों क्योंकि ये देखो यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी ए एंड माइनस वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है 180 माइनस क्या है थीटा है। तो यहाँ हम लिख दिए, मैंने लिखा क्या होगा कि आर डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर माइनस क्या होगा टू ए बी कॉस ऑफ क्या होगा थीटा, क्या हो गया कॉस ऑफ क्या हो गया थीटा, क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा मालूम चल गया। तो यही क्या हुआ दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो केवल आप ध्यान देखना ध्यान से क्या होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ क्या था एडिशन में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा बस और क्या होगा सेम हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आई मीन डायरेक्शन ऑफ आर डैश क्या होगा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन ऑफ आर डैश लिखोगे तो ये वाला डायरेक्शन होगा किसके साथ, देखो यहाँ यदि मैं इसको क्या कंसीडर कर लूँ इसको अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ, अल्फा कंफ्यूज मत होना कि दोनों से मैं दोनों अलग अलग चीज़ें, तो अल्फा क्या है देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होगा अल्फा, अल्फा मैंने कंसीडर कर लिया तो क्या लिखेंगे यहाँ कि लेट लेट अल्फा आई मीन क्या होगा डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ आर डैश विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ए के साथ
आई मीन ए के रिस्पेक्ट में आर डैस का डायरेक्शन क्या है, आर डैस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने अभी क्या लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ हम लिख सकते हैं लेट, यहाँ मैंने मान लिया कि लेट अल्फा इज द क्या होगा, इज द एंगल, एंगल मेड बाई आर डैस विथ क्या होगा, विथ वेक्टर क्या होगा, वेक्टर विथ वेक्टर ए, देन क्या लिख सकते हैं, देन वही रिजल्ट यूज करेंगे, देखो टेन अल्फा या अल्फा डैश लिख लेना, वहां अल्फा डैश लिख लेना है ना, अल्फा डैश लिख लेना, अल्फा मत लिखना, क्या करना आप अल्फा डैश लिख लेना उसमें। तो टेन अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बी साइन, जहां थीटा है वहां हम क्या करेंगे, थीटा माइनस क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस क्या होगा थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बी साइन क्या हो जाएगा थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस 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 बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं टेन अल्फा डैश क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए माइनस क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो केवल क्या है सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, थीटा के जगह हमको क्या करना है, वाइल क्या होगा यूजिंग क्या होगा सब्ट्रैक्शन रिलेशन है ना, क्या करना है मुझे रिप्लेस थीटा बाय पाई माइनस थीटा इन केस ऑफ रिजल्ट इन केस ऑफ इन द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें हम क्या करेंगे केवल क्या करेंगे 180 माइनस थीटा लिख देंगे, तो आपको क्या होगा दो वेक्टर के डिफरेंस का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू मालूम चल जाएगा, डायरेक्शन जो होगा उसका भी क्या होगा वैल्यू मालूम चल। अब यदि हम लिखें यहाँ एक नोट में पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होगा कि इफ क्या होगा इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाए पी हो जाए, देन क्या होगा देन यहां लिख सकते हैं आर डैस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर डैस का मतलब क्या होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पी स्क्वायर आई मीन टू पी स्क्वायर इंटू क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही होगा ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बताया था मैंने। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा टू पी स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा टू, ये मैंने कैसे लिखा है देखो यहाँ ध्यान से कॉस थीटा वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई क्या होगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा पी प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा टू पी साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा बाई टू। तो दो वेक्टर के डिफरेंस का क्या होगा मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा टू पी इंटू क्या होगा साइन थीटा बाई क्या होगा टू। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यहां क्या लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ आर डैश आई मीन क्या होगा वेक्टर ए माइनस क्या होगा वेक्टर बी यही लिखेंगे ना। अब टेन अल्फा देखो तो टेन अल्फा डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे पी साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या होगा टी इंटू क्या होगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा यही होगा क्या हो जाएगा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो वन माइनस क्या होगा
cos theta. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan alpha dash equal to देखो 2 sin of theta by 2 into क्या होगा cos of theta by 2 upon 2 cos square क्या होगा 2 sin square, 2 sin square theta by क्या होगा 2, ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो tan alpha dash equal to क्या होगा cot of क्या होगा theta by 2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं tan of क्या लिखेंगे pi by 2 minus क्या हो जाएगा theta लिख सकते हैं, तो alpha dash equal to क्या होगा pi by 2 minus क्या हो जाएगा theta, theta by 2 sorry theta by 2. तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, उस केस में क्या था कि एंगल जो क्या था दो वेक्टर के क्या होगा डिफरेंस, दो वेक्टर का यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग क्या था डायरेक्टेड, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप देखोगे तो अल्फा डैश इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, ये आपको कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस क्या होगा थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा. अब इस पे क्या कर सकते हैं हम एक एग्जांपल देखेंगे कि क्या होगा, ये दिया हुआ है जिसे देखो क्या है यहां दिया रहेगा कि इफ क्या होगा इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा ए माइनस बी का क्या होगा मैग्नीट्यूड देन फाइंड द क्या होगा द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या होगा एंड वेक्टर क्या होगा बी, यही क्या है आपको फाइंड. इसको हम दो तरह से सोच सकते हैं, एक तो आप क्या सोच सकते हो कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, कि अभी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला हमने लिखा था कि दो वेक्टर के, तो एक मेथड ये है. दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि वैसे भी हम सोच सकते हैं कि क्या होगा. अब देखो सोल्यूशन में क्या है एम वन बाई यूजिंग क्या होगा बाई यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है. अब देखो हम जानते हैं कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो इधर a प्लस बी का ए स्क्वायर, यहाँ हमने मान लिया क्या कि लेट, देखो लेट क्या होगा थीटा इज द क्या होगा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या होगा एंड वेक्टर बी, हमने ऐसा मान लिया कि थीटा क्या है दो वेक्टर के बीच क्या है एंगल है. देन हम लिख सकते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देन क्या होगा दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है ए माइनस बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब यदि आप रिजल्टेंट का इनका फार्मूला यूज करो तो क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर है ना माइनस प्लस क्या होगा टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, यही होगा. अब देखो क्या है स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को पहले क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे हटाएंगे, तो कैसे आप रिमूव करोगे स्क्वायर रूट को बाई स्क्वायरिंग क्या है बोथ साइड, तो हम लिख सकते हैं बाई क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा देखो तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस, यही होगा. अब देखो ए कैंसिल हो गया क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी वेक्टर्स क्या होगा, विल बी क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होगा म्यूचुअली क्या होगा, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ईच अदर, क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस वेक्टर ए एंड क्या होगा बी आर परपेंडिकुलर टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ईच, ठीक है, आई मीन क्या होगा। अब दूसरे मेथड से आप यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, आप क्या ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो आप ट्रेंगल मेथड हम यूज करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, देखो सेकंड मेथड हम यूज करेंगे तो हम यहां क्या लिखेंगे, एम टू, आई मीन बाय यूजिंग, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग ग्राफिकल क्या होगा, ग्राफिकल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो क्या है कि यही हमने मान लिया कि ये क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। अब आपको देखना दिया हुआ है कि ये वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर, यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और आई मीन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, कहीं वेक्टर बी होगा आपने को मालूम, और यही क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए माइनस क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, यही है ना, आर एडेस। अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको ये देखना है क्या है कि ये और क्या है, ये दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, ये दोनों इक्वल है, ए और बी के बारे में नहीं बताया गया है कि ए और बी क्या है, इक्वल है या नहीं। तो आप भी देख सकते हो कि ये इक्वल तभी होगा जब ए लेंथ और ए लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। यदि हम किसी भी ट्रायंगल में देखें, अब ए एंगल देखो तो ये क्या होगा, ये सेम है, ये सेम है, यदि हम ऐसे सोचें कि एक वेक्टर और होगा, ऐसे ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो गया, और ये क्या होगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या होगा, माइनस बी। आप थोड़ा सा डायग्राम सही से ड्रॉ करेंगे तो यही क्या होगा, हमने, अब ए वेक्टर और ए क्या है, इक्वल है, ए और ए क्या है, इक्वल है, गलत ड्रॉ, हाँ, आर और आर डैश और ए क्या है, इक्वल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो ए क्या होगा, आप ऑटोमेटिक बता सकते हो कि ए वाला जो एंगल होगा क्या होगा, ए वाला एंगल यहाँ से देखने से लग रहा है, ए वाला जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री, आई मीन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 90 डिग्री। नहीं होगा तो आप ऑल पॉसिबल वे से खुद से आप सोचो तो आप देखोगे कि नहीं, यही एक केस है जिस केस में क्या होगा कि आर और आर डैश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, ए बी और आई मीन ए वाला जो ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। नहीं तो दूसरे आप किसी भी और केस में देख सकते हो, दूसरे तरह से देख लो आप, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने ऐसे कैसे सोचा, तो आप ए मान लो, बी डैश, ए क्या होगा, आर हो जाएगा और इधर ही क्या होगा, आप तो देखो ये क्या होगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि यहाँ ए आर डैश हो गया आपका, ये माइनस बी डैश हो गया, तो क्या पॉसिबल है कि ये और ये इक्वल हो जाए, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, क्या होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यदि ये दोनों क्या होंगे, आर और आर डैश, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल होगा, इसका मतलब ही है ये तभी संभव हो सकता है कि दोनों क्या है, वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि यहाँ इसका कन्वर्ज भी ट्रू है,
कि क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस विल बी ऑलवेज क्या होगा इक्वल। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड देयर डिफरेंस विल बी क्या होगा इक्वल। तो हम यहां नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्या होगा व्हेन, क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स, क्या होगा टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू क्या होगा टू ईच अदर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम देयर क्या होगा सम एंड देयर डिफरेंस मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी सेम। ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है कि यदि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है क्या होगा और ए वेक्टर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के क्या होगा आई मीन दो वेक्टर का यदि दो वेक्टर क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका देखो यहाँ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना यार, यहाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यही क्या है म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा दो वेक्टर का क्या होगा यदि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनके सम का मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा सेम होगा। तो ये आप माइंड में रखना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैंने ये बताया था कि हम क्या पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन, सॉरी लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे पहले पैरेललोग्राम, इसको भी हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या है दो वेक्टर, आप इस पे आज मैं आप लोगों को आज मैं डीपीपी सेंड करूंगा, इससे इस पे बेस्ट जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करना और फिर जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सअप करना, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा उसका सोल्यूशन या एक्सप्लेन करूंगा इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्या होगा पैरेललोग्राम, सॉरी लॉ ऑफ, हाँ लॉ ऑफ क्या है पैरेललोग्राम। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मेथड, मेथड क्या पढ़ेंगे टू क्या होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि इसका भी हम क्या करेंगे यूज, दो वेक्टर, दिस लॉ इज ऑल्सो यूज टू एड टू वेक्टर्स, है ना, क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे दिस लॉ क्या होगा इज ऑल्सो यूज टू एड टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ओनली, आई मीन इफ यू वॉन्ट टू एड टू मोर देन टू वैक्टर्स देन वी कांट यूज आइदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्या है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल दो वैक्टर को एड करने के लिए ही किया जाता है, यदि मोर देन क्या होगा टू वैक्टर्स होगा तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, उसको उसके लिए हम अलग वैक्टर देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉरी उसको अलग मेथड देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन बोलते हैं, आगे हम देखेंगे इसके बाद। तो ये यार अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्या होगा कि दो वेक्टर्स होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा उसका रिजल्टेंट होगा, तो हम क्या करेंगे दो वेक्टर्स को इसमें क्या करेंगे यूज करके हम क्या करेंगे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा क्या गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आई मीन बाय यूजिंग टू वेक्टर्स वी विल फॉर्म पैरेललोग्राम। अब आप बोलोगे सर दो वेक्टर्स है आप कैसे दो वेक्टर को यूज करके क्या करोगे आप पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म कर सकते हो, तो हम देखते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होगा याद देखना ध्यान से, क्या होगा कि जैसे क्या है एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये मान लो वेक्टर बी दिया हुआ है और ये क्या है
वेक्टर ये दिया हुआ। आपको क्या करना है कि इनको क्या करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके क्या करना है, पहले ग्राफिकली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो मेथड वही है कि क्या करना है कि इसमें क्या करना है, एक वेक्टर को फिक्स रखो, दूसरे को उसी के पैरेलल क्या करो, शिफ्ट करो। ये तब तक शिफ्ट करते रहेंगे कि जब तक क्या होगा, बोथ क्या होगा, टिल ऑफ बोथ वेक्टर विल नॉट कोइंसाइड। तो जैसे ही क्या होगा, देखो ये क्या होगा, टेल हो गया, टेल ऑफ क्या होगा वेक्टर ए, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, हेड ऑफ क्या होगा वेक्टर ए। सिमिलरली हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेल ऑफ वेक्टर बी, और इसको क्या बोल सकते हैं, हेड हेड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इधर मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया, ए वेक्टर को क्या किया, फिक्स रखा, क्या किया, ए वेक्टर को फिक्स रखा, बी को क्या किया, इसी के पैरेलल हमने शिफ्ट किया, बी को इसी के पैरेलल शिफ्ट किया। शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, दोनों का टेल देखो क्या हुआ, ज्वाइंट हो गया, यही क्या हुआ, वेक्टर बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल अगेन क्या करेंगे, देखो अब पैरेललोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए बी डैश, ये बी है तो क्या होगा, ई बी क्या होगा, बी होगा, ये ए है तो ई बी क्या होगा, ई बी क्या होगा, ई वेक्टर क्या हो गया। अब देखो यहां से क्या है, पैरेललोग्राम क्या हुआ, फॉर्म हो गया, क्या हो गया, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। अब यदि ए एंगल क्या होगा, अगेन ए एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा, किसी भी मेथड से आप यूज करके कनेक्ट करो, रिजल्टेंट विल बी द क्या होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द क्या होगा, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो यहां आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखो रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, देखो ए वेक्टर हमने फिक्स माना है तो इसका टेल ए हो गया और बी वेक्टर का हेड ए है, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, रिजल्टेंट। अगेन ए क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ वेक्टर ए। तो यही क्या हो गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर और ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर बी। अब आपसे कोई पूछे कि देखो ये हमने क्या किया, पैरेललोग्राम यूज करके क्या किया, दो वेक्टर्स को क्या किया, हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, किस मेथड से, बाय यूजिंग। फिर से ध्यान से सुनो क्या करेंगे, एक वेक्टर को क्या करेंगे हम, फिक्स रखेंगे, है ना, फिक्स रखा, दूसरे को क्या किया, उसी के पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक ये दोनों का क्या हो जाए, टेल कोइंसाइड नहीं हो जाए। अब जैसे ही दोनों का टेल कोइंसाइड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करो, एक दूसरे को पैरेलल शिफ्ट करके क्या करो, पैरेललोग्राम फॉर्म करो। रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ भी आप यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस केस में, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू ए बी कॉस थीटा और टेन अल्फा, यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट वही है, रिजल्ट वही है, बस ये मेथड अलग है। इसको समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, टेल टू टेल एडिशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड टेल टू टेल एडिशन, क्या बोलते हैं हम इसको, नोट में हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड टेल टू टेल एडिशन, ठीक है, ये आपको माइंड। अब अभी तक हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को क्या किया, तो इससे क्या है कि आप ग्राफिकली भी ऐड कर सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, ग्राफिकली क्या करोगे, ऐड करोगे, तो और ऐड करने के बाद रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा
आई मीन रिजल्टेंट वेक्टर का जो लेंथ होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, दो वेक्टर्स के लिए ही हम इसको, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको माइंड में रखना। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ एक पॉइंट यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर, देखो यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा टू वेक्टर्स, व्हेन क्या होगा, व्हेन, ये कल भी बताया था, व्हेन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए एंड क्या होगा वेक्टर बी, आर क्या होगा, आर इक्वल, देन देन देखो ध्यान से, देन क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा, अपॉन लिख सकते हैं बी इंटू बी प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा, इसको और लिख सकते हो टू साइन ऑफ क्या होगा, थीटा बाई टू, कॉस ऑफ थीटा बाई टू, अपॉन क्या लिखोगे, टू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या होगा, थीटा बाई टू, ये जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ देखो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन ऑफ थीटा बाई टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। यहाँ आप बहुत ही अच्छे से डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हो। देखो यदि एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्या है, ये दिया हुआ है, ये बताया वेक्टर ए, और दूसरा क्या है, वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इनका लेंथ जो दिया हुआ है मान लो सेम है, इवन डायग्राम में नहीं दिख रहा हो, तो यदि दोनों का लेंथ सेम होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इनके एंगल बाईसेक्टर के क्या होगा, अलोंग लाई करेगा, आई मीन ये जितना एंगल होगा उतना ही क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जितना एंगल क्या होगा, जितना एंगल, ठीक है, ये क्या हो गया वेक्टर आर, आई मीन ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे सेम, ये मैंने बताया भी था, लेकिन आप यहाँ से लॉ पैरेललोग्राम से ज़्यादा आपको दिखेगा कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ऑलवेज क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के एंगल बाईसेक्टर के अलोंग क्या होगा, लाई करता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे हम, आई मीन लॉ ऑफ पॉलीगन, है ना। तो थर्ड जो क्या है, क्या है मेथड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगन। अब देखो ये क्या होगा, दिस लॉ इज यूज्ड टू क्या होगा, एट टू और क्या होगा, मोर देन टू वेक्टर्स, इसको आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर को भी यूज कर, पॉलीगन का मतलब ही क्या हुआ, मोर देन टू वेक्टर्स जनरली। तो हम लिख सकते हैं यहां कि दिस लॉ क्या होगा, दिस लॉ इज यूज टू एड टू और क्या होगा, और मोर देन टू वेक्टर्स ग्राफिकली। ग्राफिकली ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका इसका ड्रॉबैक भी है कि पॉलीगन लॉ को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और क्या पढ़ते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, हम क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और क्या पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, और इसको लॉ पॉलीगन को भी हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल एडिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, ये आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, और क्या होगा, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, सोचो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देता हूं मैं, वेक्टर सी दिया। आपको क्या करना है, इनको ग्राफिकली क्या करना है, ऐड कर देना है, क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पॉलीगन क्या करना है आपको,
इनको ग्राफिकली ऐड करना है। तो देखो क्या है, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले एक वेक्टर को आप क्या करो, फिक्स कर लो। ये वेक्टर ए को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। बी को क्या करो, फर्स्ट वेक्टर की जिसको आपने फिक्स रखा है उसके हेड से बी के टेल को क्या करो, ज्वाइंट करो। अब कैसे ज्वाइंट करोगे यार, इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और यहां रख देंगे। तो यही मान लो कि ये क्या है, वेक्टर बी हो गया। वेक्टर क्या हुआ, बी हो गया, ठीक है। अब क्या करो, बी के क्या करो, हेड से क्या करोगे आप, बी के हेड से सी के क्या करो, टेल को अगेन क्या करो, कनेक्ट करो। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो शायद रफली आप यदि इसके पैरेलल शिफ्ट करोगे तो कुछ ऐसा होगा, यही क्या हुआ, सी वेक्टर बन गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, देखो ये क्या है, टेल ऑफ क्या है, टेल ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए, आई मीन फर्स्ट वेक्टर, और दिस इज हेड। तो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज क्या होगा, लाइन क्या होगा, ज्वाइनिंग द फर्स्ट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, सम ऑफ थ्री वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस क्या लिखेंगे, वेक्टर बी प्लस क्या लिखेंगे, वेक्टर सी। तो यही क्या हो गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो हमने कितने आसानी से क्या किया, ए ऐड कर दिया। क्या किया हमने, कितने आसानी से हमने क्या किया, तीन वेक्टर को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर रहा है, तीन वेक्टर को हमने ऐड करा। दूसरा और एग्जांपल देखो, तो क्या है, एडिशन क्या है, कि इसमें याद रखना है कि रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ऑलवेज क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से जो एक वेक्टर मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब यदि ये लाइन क्या हो जाए, लाइन जीरो हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे देखो और एग्जांपल देखो आप, तो इसी को क्या बोलते हैं कि वेक्टर आई मीन एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए कॉमा क्या होगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बाई यूजिंग क्या होगा, बाई यूजिंग लॉ ऑफ क्या होगा, लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो कि अभी आपको क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर क्या होगा, सी दिया होगा, ऐसे कुछ दिया होगा, देखो सी वेक्टर दिया, और एक चौथा वेक्टर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डी, थोड़ा सा और मैं बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। आपको अगेन क्या करना है, अब आप बोलोगे सर मैं किसको, किसी एक को फिक्स रखो, जिसको तुम्हारी इच्छा हो उसको तुम फिक्स रखो, फर्स्ट को फिक्स रख दो। सबको क्या करना है, फर्स्ट जिसको फिक्स किए उसके हेड से क्या करना है, सेकंड के टेल को, फिर सेकंड के हेड से थर्ड के टेल को, फिर थर्ड के हेड से फोर्थ के टेल को, एंड सो ऑन। रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द क्या होगा, लास्ट वेक्टर। अब यदि मुझे इसको भी क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो हम किसको फिक्स रखें, चलो वेक्टर सी को हम फिक्स रखते हैं, तो क्या होगा, ये वेक्टर क्या हो गया, सी हो गया। सी को ही हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। आपको रफली एज इतना ड्रॉ करना है जितना इसका लेंथ है। अब सी से हम क्या करेंगे, सी के हेड से क्या करेंगे, डी के, डी वेक्टर के टेल को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यही सी का हेड हुआ, इसी के पैरेलल आप शिफ्ट करोगे तो देखो इसके पैरेलल ये परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे, और अगेन इसका जितना लेंथ है उतना हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। ये देखो यही क्या होगा, ए और सी के बीच क्या होगा, एंगल म्यूचुअल परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है कि इसके आई मीन डी के क्या करना है, डी के हेड से ए के टेल को क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्या करना है। तो यही क्या हुआ, वेक्टर क्या मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए के हेड से बी के टेल को क्या, और क्या है, जितने एंगल दिया होगा दो वेक्टर के बीच एंगल, उतने आपको क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। तो अभी देखो यही क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा,
यही वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी द क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल। यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही आर वेक्टर होगा, क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस क्या होगा, वेक्टर डी। यही रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है। जैसे आपको मैं, हाँ लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, अब ये रिजल्टेंट का लेंथ कितना होगा, आई मीन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको यूज करके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ क्या हुआ कि ये सेकंड एग्जांपल था, है ना, कि क्या है एडिशन ऑफ, क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या है वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड क्या होगा डी बाई बाई यूजिंग लॉ ऑफ, क्या होगा, लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, क्या है, अब ये क्वेश्चन में देखो कि थ्री वेक्टर्स, आई मीन क्या दिया हुआ है, थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे द क्या होगा, द मैग लिखेंगे द क्या होगा, द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए कॉमा बी एंड क्या है सी आर क्या है जीरो देन ड्रॉ देन ड्रॉ देन क्या है देन ड्रॉ हाँ देन देन ऐसे लिख दें देन मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ प्रूफ ग्राफिकली। आपको क्या करना है, ग्राफिकली इसको प्रूफ करना है कि तीन वेक्टर क्या है ए बी सी दिया हुआ है, उसका रिजल्टेंट क्या है जीरो है। तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, प्रूफ कर देना। अब देखो ये मुझे मालूम नहीं है कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हम मैग्नीट्यूड क्या करेंगे सेम, आई मीन आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया हुआ है देखो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होता है वेक्टर आर, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन क्वेश्चंस वेक्टर आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है ना, वेक्टर आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट, मैंने देखो रिजल्टेंट क्या होगा कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर को क्या करेगा, जो लाइन ज्वाइन करेगा। अब देखो हमने क्या किया, एक वेक्टर क्या मान लिया, ये मान लिया, दूसरा वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, यही वेक्टर क्या होगा बी होगा, तीसरा वेक्टर क्या होगा, अब देखो तीसरा वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से कॉन्साइड हो जाए तभी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि रिजल्टेंट क्या होगा टेल ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द क्या होगा लास्ट वेक्टर। यदि रिजल्टेंट का लेंथ जीरो हो जाए, जीरो कब होगा कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और लास्ट वेक्टर का जो हेड होगा वो दोनों क्या हो जाए कॉन्साइड हो जाए, दोनों क्या हो जाए मिल जाए। तो मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर में कोई डाउट नहीं है, लेकिन सी वेक्टर जो होगा उसका जो हेड कहाँ होगा, ए के क्या होगा टेल पे, आई मीन क्या होगा वो ऐसे होगा। तो ये क्या है वेक्टर ए, क्या है वेक्टर बी और ये क्या है वेक्टर सी। तो ये प्रूफ हो गया कि देखो तो रिजल्टेंट का लेंथ क्या है जीरो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया।
अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, उसी तरह एक दो और आपको समझना है कि अब दिया हुआ है कि फोर वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा, आई मीन क्या होगा, सम ऑफ फोर वेक्टर्स ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी एंड डी टेकन इन ऑर्डर आर जीरो, देन शो देम ग्राफिकली, आपको ऐसे दिखना है। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, ये दिया हुआ है, अगला एग्जाम्पल देखो क्या होगा, इफ क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस क्या होगा वेक्टर डी इक्वल टू क्या होगा जीरो, देन क्या होगा एड देम, क्या होगा एड देम ग्राफिकली, ये भी एक क्या होगा क्वेश्चन हो सकता है। अब फोर वेक्टर दिया हुआ है, मुझे मालूम नहीं है कि यार मैग्नीट्यूड किसका क्या है, तो हम अपने से मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेकिन याद रखना है कि जब क्या होगा रिजल्टेंट जीरो होगा तो लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से ऑलवेज क्या होगा कॉइंसाइड होगा, क्या होगा कॉइंसाइड होगा। जैसे हमने मान लिया कि ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमने मान लिया कि क्या होगा ए होगा, बी वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर हमने मान लिया कि ए होगा सी होगा, चौथा वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा ये वाला, यही क्या होगा वेक्टर डी, तभी क्या होगा देखो ये क्या होगा, ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का क्या होगा टेल, टेल ऑफ वेक्टर ए, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा हेड ऑफ, क्या होगा हेड ऑफ वेक्टर डी, तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है हेड जैसे ही कॉइंसाइड हो जाएगा मिल जाएंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्या होगा जीरो होगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि ग्राफिकली हम क्या करेंगे ऐड कैसे करेंगे। मान लो कि और भी एग्जांपल देखो कि क्या है दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, देखो एग्जांपल देखो कि क्या है, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर सी दिया हुआ है, चौथा वेक्टर क्या है डी दिया हुआ है, और आपको क्या करना है इनको ग्राफिकली क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड देम, क्या होगा ऐड ऐड देम बाय क्या होगा यूजिंग यूजिंग लॉ ऑफ, क्या होगा लॉ ऑफ पॉलीगन। अब देखो क्या करना है इसमें, फिर मुझे क्या करना है, एक वेक्टर को हमने क्या किया है ए को फिक्स कर दिया, देखना आपको लेंथ इतना ही लेना है, बाई मिस्टेक से कहीं लेंथ छोटा बड़ा हो जाए तो आप उसको एडजस्ट करना, क्योंकि लेंथ सेम ही होना चाहिए नहीं तो वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये वेक्टर ये हुआ, फिर क्या किए ए के हेड से हमने क्या किया बी के टेल को क्या किया कनेक्ट कर दिया, तो ये वेक्टर क्या हो गया बी हो गया, फिर बी के टेल से सी के हेड को कनेक्ट किया तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर डी को हमने क्या किया अगेन रिजल्टेंट क्या होगा रिजल्टेंट विल बी द क्या होगा वेक्टर ज्वाइनिंग द क्या होगा तो यही क्या होगा रिजल्टेंट, ये वेक्टर क्या हो गया बी, तो रिजल्टेंट क्या होगा दिस इज कॉल्ड क्या होगा रिजल्टेंट, तो ये वेक्टर ए प्लस क्या होगा वेक्टर बी प्लस क्या होगा वेक्टर सी प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर डी, ठीक है। तो ये क्या है कि बाई यूजिंग क्या होगा लॉ ऑफ पॉलीगन हम क्या कर सकते हैं वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ये क्या होगा इस तरह से हम क्या करते हैं यूज करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है नोट में लिखना है कि बाई यूजिंग बाई क्या होगा यूजिंग लॉ ऑफ क्या होगा पॉलीगन वी कैन ऐड मोर देन क्या होगा मोर देन टू वेक्टर्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स ग्राफिकली क्या होगा बट वी कांट फाइंड आउट बट वी कांट फाइंड आउट द क्या होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्ट
ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ ए क्या पढ़ते हैं, वेक्टर। तो इससे पहले एक हम सम देखते हैं कि क्या होगा, एक एग्जांपल है क्या, कि इफ क्या दिया हुआ है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है सी, देन क्या होगा, देन एंड क्या है, एंड एंड वेक्टर ए प्लस क्या होगा वेक्टर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है जीरो, देन देन फाइंड फाइंड ए में क्या है एंगल एंगल बिटवीन ए बी क्या होगा ए एंड बी, फिर क्या है बी एंड सी एंड सी एंड ए, तीन वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट क्या है सब दिया। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो देखो मेथड फर्स्ट जो है वो बहुत ही आसान है, क्या है मेथड फर्स्ट, मेथड क्या है फर्स्ट, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और रिजल्टेंट क्या है जीरो है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा इक्विलैटरल क्या होगा ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। जैसे देखो ये वेक्टर ए हो जाएगा, दूसरा वेक्टर क्या होगा ये वेक्टर बी हुआ, अब तीसरा जो वेक्टर होगा उसका जो टेल होगा वो कहाँ होगा बी के हेड से होगा, और उसका जो हेड होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए ए के, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया भी था कि यदि वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जीरो हो तो लास्ट वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के टेल को क्या करो ज्वाइन कर लो, तो यही क्या हुआ ये वेक्टर ए क्या हुआ वेक्टर सी हो गया, ऑल साइड्स क्या हो गया इक्वल हो गए। अब आपको मालूम है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ए 60, ये भी क्या होगा 60 और ये भी क्या होगा 60, इसको जब एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 120, इसको भी क्या करोगे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 होगा ना, क्या हो जाएगा 120, ये शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को, लेकिन अभी ये क्या होगा ये भी क्या होगा 120 हो जाएगा, तो और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, आई मीन सबका आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन अब अपने को क्या करना है फॉर्मूला क्या करना है यूज करना है, अब देखो जिसके बीच क्या है दिया क्या है गिवन में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड से सेकंड फर्स्ट मेथड से मालूम चल गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर बी एंड सी एंड वेक्टर सी एंड ए क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब हम लिखें मेथड टू तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि गिवन में क्या है वेक्टर ए प्लस क्या है वेक्टर बी प्लस क्या लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। अब याद रखना है कि जिन दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है उसको एक तरफ रखो और रिमेनिंग को क्या करो दूसरी तरफ, तो हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा माइनस वेक्टर सी। अब मैग्नीट्यूड लिखो तो वेक्टर ए प्लस क्या होगा वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब यहाँ फार्मूला यूज कर दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इसको स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर। ये देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं नहीं कैंसिल नहीं होगा गलत लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ देखो कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हुआ 120 डिग्री। ठीक है आ गया, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस ए, तो अगेन बी और सी के बीच एंगल मालूम चल जाएगा और सी प्लस क्या लिखोगे ए इक्वल टू माइनस बी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा ए और बी के बीच सॉरी सी एंड ए के बीच क्या हो जाएगा एंगल मालूम चल जाएगा। ठीक है अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है
द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ क्या है वेक्टर्स। तो आप सभी के पास बुक होगा, एक बार उसको आप क्या करना, रीड करना, ठीक है, अच्छे से रीड करना, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो आप कोशिश ये करो कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि कल पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, उसको एक दिन पहले एटलीस्ट सुपरफिशियल एक बार पढ़ जाओ, एक बार रीड कर जाओ, कि आप जब मैं एक बार पढ़ाऊँ आपको तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोशिश ऐसा करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।